70% लाहौर इलीगली तामीर किया गया है। जी हाँ, 70% लाहौर इलीगली तामीर किया गया है, और ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्टर जनरल गौहर नफीस के अल्फाज हैं। और आज उन्होंने एक तकरीब से ख़िताब किया और उन्होंने ये बात कही कि 70% लाहौर इलीगली यानी कि गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी न्यूज़, मुझे कहते हैं मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, और आज की वीडियो काफ़ी एक अहम है क्योंकि अभी एक ख़बर से नज़र गुजरी और वो यही थी कि 70% जो लाहौर है वो इलीगली तामीर किया गया है। डायरेक्टर जनरल गौहर नफीस साहब ने ये बात कही है, एक तकरीब से ख़िताब करते हुए उन्होंने यही कहा है कि जी इस साल टोटल 28,555 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 28,350 के करीब केसेस को जो है ना रिजॉल्व किया गया है। और पंजाब में सबसे बड़ा मसला लैंड डिस्प्यूट्स का है, क्योंकि जो सरकारी अफसरान हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, वो इस चीज़ में मुलव्वस होते हैं। और करीबन 130 का फिगर आया है, जो 130 सरकारी अफसरान हैं, करीबन ग्रेड 17 के ऑफिशल्स, तो वो लैंड डिस्प्यूट्स और इन गैर कानूनी जो अगर कहें तजावुजात हैं या अगर गैर कानूनी जो तामीर है उसमें मुलव्वस पाए गए हैं 130 सरकारी अफसरान। बहुत बड़ा फिगर है, सिर्फ ये लाहौर की बात हो रही है। अगर बात की जाए मज़ीद तो 77,533 किनाल अराजी रिट्राइव की गई है, जो लोग कब्ज़ा करते हैं उनसे इस साल पंजाब में, और करीबन 17 बिलियन जो रुपये हैं वो हुकूमत ने इस लैंड से जो है, मतलब जो लैंड कब्ज़ा हासिल किया है हुकूमत ने वापस, तो इससे रिट्राइव की है। तो आप ये फिगर्स देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फिगर है, मतलब कि 130 सरकारी ऑफिशियल्स इस मामले में मुलव्वस पाए गए हैं। यानी कि अगर इस पूरे साल की अगर कहा जाए, इस पूरे साल का डेटा देखा जाए, तो 130 ऑफिशियल्स बहुत बड़ी अमाउंट है और बहुत बहुत बड़ी तादाद है ऑफिशियल्स की जो गैर कानूनी तौर पर इन चीज़ों में मुलव्वस होते हैं। और अगर कहा जाए, अगर देखा जाए, तो अगर सरकारी सतह पर ही लोग इस चीज़ में मुलव्वस होंगे तो ऑटोमेटिकली लोग जो है क्या कहते हैं कब्ज़ा भी करेंगे, लोग गैर कानूनी तजावुजात भी वो करेंगे, खड़े करेंगे एंड बनाएंगे भी। और आप अगर ये फिगर देखें, 70% लाहौर अगर गैर कानूनी तौर पर बनाया गया है, तो बाकी पूरे पाकिस्तान का क्या हाल होगा। ये तो एक सिर्फ लाहौर की खबर आज आई है, बाकी पूरे पाकिस्तान के हवाले से आप देखें कि क्या हाल होगा। आप इस्लामाबाद के हवाले से देखें, इस्लामाबाद में भी तजावुजात की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं इस चीज़ में मुलव्वस हैं। आप पिशावर की देख लें, आप कराची को आप देख लें, कि आप सिर्फ एक नस्ला टावर के हवाले से अगर हम बात करें तो कितना वावेला मचाया गया उस हवाले से, मतलब दो नज़रियात पाए जाते हैं उस हवाले से भी। लेकिन जो गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा इमारात हैं, गैर कानूनी तौर पर जो तजावुजात खड़े कर दिए जाते हैं, तो इस चीज़ ने हमारे मुल्क की तरक्की अगर कहें तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल वो कर दिया, एक हर्डल रख दिया है कि जी आप गैर कानूनी तौर पर चीज़ खड़ी कर दें, आप 5 साल, बल्कि 5 साल क्या, आप 1-2 साल उस पर जो है ना थोड़ा सा वो करें, बदमाशी करें, एंड उसके बाद कोई मसला ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है आपके लिए। तो ये चीज़ें हमारी मुल्क को ख़राब करें, और बेसिकली हमारा रियल स्टेट सेक्टर इस वजह से अगर कहें तो जवाल का शिकार होता है, हमारे रियल स्टेट सेक्टर को काफ़ी नुकसान पहुँचता है सिर्फ और सिर्फ इस किस्म के लोगों से और इन किस्म के अफसरान से। मतलब 130 का फिगर दिया गया है डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट गौहर नफीस साहब की जानिब से, कि 130 सरकारी अफसरान मुलव्वस थे गैर कानूनी तौर पर तजावुजात में और इन तमाम तर चीज़ों में। मतलब अगर सरकारी अफसरान इन चीज़ों में मुलव्वस थे, तो नीचे के जितना भी स्टाफ होगा, और ये 17 ग्रेड की बात है, नीचे का जितना स्टाफ होगा उसका क्या। और 910 बिलियन आई गेस रिट्राइव किए हैं, 17 बिलियन रुपए रिट्राइव किए हैं हुकूमत ने, हुकूमत पंजाब ने सिर्फ इस एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ इन मामलात से। तो फिर बाकी मामलात आपके सामने हैं। बहरहाल ये ख़बर आपके सामने रखने का मकसद ये था कि सिर्फ इन चीज़ों के हवाले से सोचें, गौर करें, फ़िक्र करें, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमारा रियल स्टेट सेक्टर जवाल का शिकार होता है, इसी वजह से हमारी मईशत डाउनफॉल का शिकार होती है, इसी वजह से हम तरक्की करते हुए रुक जाते हैं। बहरहाल अगर ये, वैसे मेरा भी एक मशवरा आप लोगों को, अगर आप लोग देखें कि आपके इलाके में या आपके आसपास या
क्या कहीं भी आप देखें कि जी एक गैर कानूनी जगह तामीर की गई है, तजावुजात है, तो आप रिपोर्ट करें, बिकॉज़ ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। बहरहाल आज की वीडियो इस हवाले से थी, एक अहम ख़बर थी, अहम न्यूज़ थी, जिसको आपको बताना लाजमी था और आपको यकीन, आपको अंदाज़ा दिलाना लाजमी था कि 70% अगर लाहौर गैर कानूनी तौर पर तामीर हो सकता है तो बाकी शहरों को आप खुद सोच सकते हैं। आज की वीडियो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेकी बात।